नमस्कार, अर्चना डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कच्चे आम से आम का अचार बनाना। उसके लिए मैंने 2 किलो कच्चे आम ले लिए हैं और इसको अच्छे से धो के पोंछ के इसका छिलका उतार लेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी इसका छिलका उतार सकते हैं या फिर पीलर से भी इसका छिलका निकाल सकते हैं। ये आसानी से निकल जाता है और इस तरह सारे हम आम से छिलका निकाल के रख लेंगे। ये अचार बहुत दिनों तक चलता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप साल भर इस अचार को बना के रख सकते हैं, क्योंकि अभी आम का सीजन है और अचार बना के लोग रख लेते हैं घर में और 1 साल तक खाते हैं, ये खराब नहीं होता है। अब मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से इसको कद्दूकस करना है। अब एक सूती मलमल के कपड़े में इसको डाल के इसका पानी निकाल लेंगे। इस तरह से पानी निकाल लेना है और इसी तरह जितना भी आम है उसका कद्दूकस करके पानी निकाल लें। अब मैंने सारे आम से पानी निकाल लिया है। अब 2 किलो आम लिया है तो 200 ग्राम के आसपास हम नमक डालेंगे और 3 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर और डाल देंगे 1 चम्मच हींग। अब इसको मिला लेंगे। इस तरह से इसको मिला लेना है और खूब अच्छे से मिलाना है, जिससे कि कहीं भी ऐसा ना हो कि मिक्स ना हो। और इसको मिला के 2 घंटे के लिए पहले हम धूप में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा इसका खुद का पानी छूटेगा, तब तक 2 घंटे के लिए इसको धूप में डाल देंगे। अब मैंने कढ़ाई लिया है और उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसमें 2 चम्मच मैंने पंचफोरन डाल दिया है। आप तो जानती हैं पंचफोरन में 5 तरह के मसाले पड़ते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच से 1.5 चम्मच अजवाइन और इसको हल्का गरम करना है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है या भुनना है, इसको हल्का सा गरम करना है। अब हम इसको अलग से रख लेंगे। अब मैंने 1/2 कप लिया है राई और इसको भी हल्का गरम करना है। इसमें डाल देंगे 1/2 कप सौंफ और 1 चम्मच मेथी, लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और सबको अच्छे से गरम कर लेना है। मैंने पंचफोरन जो गरम किया है उसको अलग से रखा है, उसको हम पीसेंगे नहीं और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे, जिससे कि जैसे हम धूप में गरम करते हैं उसी तरह से। आप देख रहे हैं मैं इसको हाथ से छू सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं भुना हुआ है और इसका इस तरह से इसको पीस लेंगे मिक्सी में। अब सबसे पहले पंचफोरन डालेंगे और जो हमने मसाला पीसा है मिक्सी में वो डाल देंगे। 1/2 कप डाल देंगे मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। अभी मैंने सरसों का तेल गरम करके नहीं डाला है। इसमें 1 छोटी कटोरी से 1 कटोरी सरसों का तेल डाल दिया है मैंने और सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कच्चा सरसों का तेल इसलिए डाला है कि इससे अचार खराब नहीं होता है। अब इसमें और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो अचार में गरम करके तेल को खूब अच्छे से गरम करके फिर इसको ठंडा कर लें और उसके बाद डालें। अब देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें छूट गया है तो इसमें फिर से डाल देंगे जो हमने मसाला को तेल में मिक्स किया था वो। अब और इसमें 1 से 1.5 कप तेल डाल देंगे, जिसको अच्छे से गरम करके और ठंडा कर लिया है मैंने। अब इसी अचार में इसको डाल देंगे और इसको मिला लेंगे।
अच्छे से इसको मिला लेना है। और आप नमक मिर्च थोड़ा ज्यादा या कम कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, ये वैसे ही खराब नहीं होता है। बस इसमें 4 से 5 दिन धूप लगाना होता है, अच्छी धूप। इसको छत पे धूप में डाल दें, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे खुला है तो इसके ऊपर थोड़ा सा जाली रख दें और 3 से 4 दिन तक अच्छा धूप लगाएं इसको, और ये सूख जाता है और उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है और इसको आप 1 साल तक रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया है जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं ये कलर कितना अच्छा आया है अचार का, जितना अच्छा कलर आया है उतना ही अच्छा स्वाद है इसका। आप इसको जरूर बनाएं एक बार और बना के रख लें, और पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये अचार बहुत ही टेस्टी होता है। ये तैयार है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।